मस्त एकदम भरल्या मिरचीचं लोणचं, दुधी भोपळ्याचं लोणचं, आवळ्याचं लोणचं, गाजराचं लोणचं, अद्रक लसूणचं लोणचं, गाजर आणि कोबीचं लोणचं, फ्लावरचं लोणचं, लिंबूचं गोड लोणचं, संत्र्याचं लोणचं, लिंबाचं आयुर्वेदिक लोणचं, हे मुरब्बे, आवळ्याचा मुरब्बा, गाजराचा मुरब्बा, आवळ्याची गटागट गोळी, सफरचंदाचा मुरब्बा, बैंगन लोणचं. सिर्फ आपको रेसिपी 2 किलो की दे रही हूँ. ये पूरा प्रोपोर्शन जो भी आप देख रहे हो ये 2 किलो का है और मैं बना थोड़ा कम रही हूँ ताकि आप फटाफट ये अचार खुद भी इसी सीजन में बना लो और एंजॉय करो. फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल आपको बोला था कि हम लोग लाइव जाएंगे हमारे नींबू के अचार के साथ. बहुत ही अच्छा पाचक के लिए, बहुत अच्छा वो हम लोग नींबू का अचार. इसके लिए सामग्री मैंने ली है, दैट इज 2 किलो हम लोगों ने नींबू. नींबू जब भी आप ले रहे हो पतले छिलके वाले लीजिए. पतले छिलके लेने के बाद में हमेशा इसको थोड़ा सा खाने वाला सोडा लगाइए और इसको धो के लीजिए, तभी नींबू का सब जो बोलते हैं ना इसके ऊपर जो केमिकल्स हैं वो निकलेंगे. इसलिए सोडा लगा के पूरे नींबू को पहले सोडा लगा दो थोड़ा सा उस, और फिर उसको पानी में 2 या 3 पानी में धो लीजिए. और फिर हम इसको 4 पार्ट में ऐसे सिर्फ स्लिट देंगे, नीचे डिप नहीं जाना है, सिर्फ स्लिट देना है. उसके साथ में मुझे लगेंगी 40 ग्राम बड़ी इलायची, 20 ग्राम लवंग, 40 ग्राम काला नमक, उसके साथ में 10 ग्राम दालचीनी. आप कोशिश करिए कि आप पूरा होल ही लें. 20 ग्राम जीरा, 40 ग्राम गंठोला पाउडर, 20 ग्राम अजवान, 150 ग्राम सेंधा नमक. पूरा सेंधा नमक लिया तो भी चलेगा. 100 ग्राम सादा नमक और 50 ग्राम सेंधा नमक, या 50 ग्राम सादा नमक और 100 ग्राम सेंधा नमक लिया तो भी चलेगा, या फिर पूरा सेंधा नमक ही लीजिए. 2 जायफल, 20 ग्राम तेज पत्ता, 10 ग्राम जावित्री, 40 ग्राम सूंठ पाउडर, 20 ग्राम काली मिरी पाउडर. अब हम इनको एक थोड़ा सा हल्का सेक लेंगे और इसकी पाउडर दरदरी पाउडर बना लेंगे. और अगर आपको इसको मीठा अचार बनाना है थोड़ा, बिकॉज ये पूरा नमकीन अचार बनेगा, अगर आपको इसको मीठा बनाना है तो आप 1 किलो 100 ग्राम इसमें शक्कर भी डालोगे, सादी चीनी, बाकी और कोई चीज़ नहीं. ठीक है, ये हमने इसको दरदरा पीस लिया. नींबू के 4 टुकड़े किए थे, इसमें ये मसाला भर दिया. इसमें इतनी सारी चीजें, इसलिए इतना पाचक है ये कि आप कुछ भी हैवी खा लो, कभी भी इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो, जस्ट इसमें से एक टुकड़ा निकाल के खा लीजिए और आपका डाइजेशन एकदम प्रॉपर हो जाएगा. अगर आप ज्यादा भी भरोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज बर्नी में जाके वो खुलने वाला है, नींबू अपना रस छोड़ेगा. अब हम, अगर आपको शक्कर डालनी है तो इस स्टेज पे आप इसमें शक्कर डालोगे. ठीक है, आप 2 किलो नींबू के लिए 1 किलो 100 ग्राम शक्कर लोगे. और अगर आप ज्यादा मीठा कर दोगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि फिर अचार का जो अपना गुण है वो रह जाएगा. आप कहीं पे चाहिए तो आप प्लीज इसमें गुड़ भी डाल सकते हो. बारीक किसकी गुड़ डाल दिया तो ये अचार में वो भी चलेगा. सगळ्यात सोपी पद्धत आहे. आणि परत सांगते,
साखर अगर आपको डालनी है, शक्कर अगर आपको डालनी है, आपको गुड़ डालना है तो आप बारीक कटा हुआ गुड़ या शक्कर इस स्टेज पे मिला दीजिए। अगर मैं नहीं मिलाने वाली हूँ बिकॉज मुझे प्योर इसी स्टेज में चाहिए, तो आप इसको कांच की बर्नी में भरते जाइए, थोड़ा मसाला डालते जाइए। बड़ी बर्नी लेना, अब इसमें और मसाला मैं डालूंगी, या पूरा मसाला इसमें ही डाल दीजिए। और तब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस, कुछ नींबू को काटा हुआ रस। ये नींबू का रस, 4 या 5 नींबू का रस ही लेना है, और 2 किलो जो नींबू लिए थे उससे अलग है ये पूरा मसाला। अब आप इसको एक कपड़े से ढकोगे, बांधोगे और इसको धूप में 4 से 5 दिन या 8 दिन, इसको जैसी धूप जितनी कड़क है उतना दीजिए। फ्रेंड्स ध्यान रखना, धूप में देने का भी टाइम होता है, सुबह 8 से लेके 4 बजे तक। 4 बजे के बाद आप कोई भी चीज़ धूप में नहीं रखते हो। इसको रखिए एक 10 दिन, 8 दिन, 10 दिन में आपका ये बहुत अच्छा पूरे काले रंग का अचार तैयार है।